हरे कृष्णा। मित्रों, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने पथ से भ्रमित अपने प्रिय मित्र अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसलिए इस तिथि को हर वर्ष इस्कॉन द्वारा पूरे विश्व में गीता जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रतलाम में भी श्री राम मंदिर पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावत संघ इस्कॉन द्वारा गीता जयंती महोत्सव भक्तिभाव से मनाया गया। देना चाह रहे थे, और जैसे कि आपको वास्तव में कोई सीधी चीज मिल जाए तो हम उसकी एक परवाह नहीं करते, तो बहुत सारी चीजें आपको बताना पड़ेगी, फिर जाके आपको श्रेष्ठ चीज बताना पड़ेगी। दुकान वाला करता है ना, कभी माता लोग आप साड़ी लेने गए हो, क्या दुकानदार ने जो पहली साड़ी आपके सामने खोल के रखी आप लेके आ गए क्या? नहीं लाएंगे ना, ढेर वेरायटी आपको सुनेंगे, भले ही लेंगे वो फर्स्ट वाली लेकिन देखेंगे सब। तो इसलिए भगवान ने इसमें सब कुछ दिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब कुछ बताया, ताकि भविष्य में जाकर के कोई टीका टिप्पणी ना करे कि भगवान ने वो नहीं बताया, वो श्रेष्ठ होगा, वो रहेगा। इसलिए भगवान ने सब चीज बता दी, और श्रेष्ठ किसको बताया? मुझ में शरणागति यानी भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया। तो भगवान ने जो बताया भक्ति योग, वह सबसे श्रेष्ठ है। उस भक्ति योग का हमको पालन कैसे करना है वो श्रीमद् भगवद गीता हमको बताती है। इसलिए भगवद गीता कहा है अर्जुन, इसमें मैं इसे मुझे पूरा पता नहीं है, 574 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, कितने? 574 श्लोक, 700 श्लोक की भगवद गीता है ना, 574 भगवान ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं, और 41 श्लोक संजय बोले हैं, और पहला श्लोक किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने। तो ये धृतराष्ट्र के बोलने से शुरू हुई भगवद गीता। वास्तव में भगवद गीता क्या है? महाभारत का एक अंश है, महाभारत का अंश है। महाभारत के अंदर कितने श्लोक है? 1,00,000। उसके 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय, 20वें पर्व के अंदर ये भगवद गीता दी गई, उसमें से ये अलग से टुकड़ा निकला। अगर इसमें 700 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है, तो कितनी बड़ी बुक होगी, छोटा सा हिस्सा है ये भगवद गीता। ये हमारे लिए जीवन का मैनुअल है। अगर अपने जीवन में हम कोई सुधार करना चाहते हैं, हमको इस ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया अर्थ इससे प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से भगवान स्वयं आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। भगवद गीता के माध्यम से भगवान स्वयं आपसे वार्तालाप करते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब है, हर प्रश्न का जवाब है। अब आप बोलोगे जवाब है तो बताओ मुझे कहाँ है, अरे तो उसके लिए आपको योग्य होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया अंतिम में कि जो मेरे प्रति शरणागत नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा। क्या कहा? मेरे प्रति शरणागत नहीं, श्रद्धावान नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अर्जुन को मना कर दिया। तो पहले भगवद गीता का अगर ज्ञान हमको समझना है, कृष्ण के प्रति हमको अपने आप को शरणागत बनाना पड़ेगा, भगवान के प्रति हमको प्रेम विकसित करना पड़ेगा, भक्ति विकसित करना पड़ेगी, तभी समझ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।